हेलो एवरीवन, तो आज हमारे साथ है मोनिका पुनिया जो कि एसएससी सीपीओ के थ्रू सिलेक्टेड हैं और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में अभी पोस्टेड हैं, ट्रेनिंग चल रहा है इनका। और आज हम इनसे बातें करेंगे, एसएससी सीपीओ के स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, गर्ल्स के लिए एसएससी सीपीओ कैसा है वो जानेंगे, 2023 के स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, प्लस साथ में लास्ट में हमारा एक रैपिड फायर भी होगा और उसके साथ साथ एक कुछ एक्साइटेड आपके लिए गिफ्ट भी है, ठीक है, वो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो आज हम इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले हम मोनिका के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से हैं, क्या एजुकेशन है और एसएससी सीएल का तैयारी कब से स्टार्ट किया था, ठीक है। हेलो मोनिका। हेलो एवरीवन। हेलो सर, मेरा नाम मोनिका पुनिया है। बेसिकली मैं हिसार हरियाणा की रहने वाली हूँ, वहाँ पे एक गांव है मेरा छोटा सा। और एसएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो मैंने 2018 का अटेम्प्ट दिया था एसएससी सीपीओ का, और 2018 में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, लेकिन उस टाइम पे फिर बीच में वेंडर वगैरह चेंज हो गया था, तो उसकी वजह से मैं बीच में डिफेंस की तैयारी करने लग गई थी। वेंडर चेंज होने के बाद जब दोबारा एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए थे तो मैंने 2018 वाला अटेम्प्ट दिया था एसएससी सीपीओ का। और अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर बोलते हैं हम वैसे तो हम, और उसकी ट्रेनिंग कर रही हूँ अपनी दिल्ली पुलिस एकेडमी में। ओके, तो यानी कि आपने पहले 2017 भी दिया था ना? नहीं सर, 2018 दिया था जी सर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ? एसएससी सीपीओ 2018 का जो मेरा अटेम्प्ट था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था, लेकिन मेरे को जो सिलेक्शन था उस टाइम पे बीएसएफ में मिला था। फिर मैंने एसएससी सीपीओ 2019 दिया था, उसके थ्रू मुझे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मिला था। ओके, ठीक है। तो आपका उस टाइम पे क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था? आप कोचिंग लेते थे या फिर अपने गाँव से ही पढ़ते थे? ऐसा होता है, देखा जाता है कि गर्ल्स के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन एसएससी का थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें चल रही थी प्रिपरेशन के टाइम पे? आपका फैमिली सपोर्टिव थी या क्या क्या चीज़ें? फैमिली बाय गॉड ग्रेस मेरे लिए सपोर्टिव ही रही है स्टार्टिंग से ही। और जो मेरी प्रिपरेशन थी वो मैंने दिल्ली से कोचिंग की थी अपनी, मैथ्स और इंग्लिश जो है वो मैंने ऑफलाइन कोचिंग से किया था। okay. और रीजनिंग और जीएस मैंने सेल्फ स्टडी से कंप्लीट किया था, या थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी। okay. और स्टार्टिंग मैंने प्रिपरेशन कोचिंग के लिए मैं दिल्ली आई थी, कुछ टाइम के लिए मैं दिल्ली रुकी थी लगभग 6 महीने के अराउंड, और उसके बाद में फिर मैं अपने होम टाउन मूव हो गई थी, वहीं से मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन की थी। वो फिर मैं लाइब्रेरी जाके या सेल्फ स्टडी मैंने रूम पे रह के अपनी तैयारी की थी, मॉक वगैरह लगा के, और वैसे ही तैयारी की थी। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, या बहुत बार सिचुएशंस आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती है। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी का जो प्रेशर है और उन सारी चीज़ों की वजह से, बट एट द एंड आप लोगों को ही वो डील करना है। अगर मैं एक एस्पेरेंट हूँ तो मुझे ही डील करना है। अगर आप एक एस्पेरेंट हो तो अपने पेरेंट्स को सबसे बेटर तरीके से आप ही समझा सकते हो। दूसरे बंदे से हम बिलीव सोचें कि आप वो बंदा समझा देगा, ये बंदा समझा देगा, वो चीज़ नहीं होती है। हाँ। सबसे बेटर अपने पेरेंट्स को आप ही जानते हो, तो उसी सिचुएशन में मैंने भी अपने पेरेंट्स को समझाया जिस भी तरीके से वो समझ सकते थे, और फिर उनके बाद उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे बहुत अच्छे से, और बाकी एज सच कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे भी यही लगता है ना कि अगर आपको अगर किसी चीज़ का प्रिपरेशन करना, उनको दिखाना, तो आपको शो करना पड़ेगा कि आप सच में डिलीजेंट हो उसके लिए। जैसे तुम्हारा चैनल का नाम डिलीजेंट एसएससीएन है, तो तुम्हें डिलीजेंट बनना पड़ेगा, उन्हें दिखना चाहिए कि सच में सीरियस है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी या बेटा इंस्पेक्टर ना बने, गवर्नमेंट ऑफिसर ना बने, वो चाहते हैं, बट यू हैव टू शो देम कि दैट यू आर रियली डेडिकेटेड फॉर दैट, कि हाँ मुझे बनना है, तब फिर वो सपोर्ट करने लगेंगे अपने आप। जी सर, इसके ऊपर मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। मेरे पास काफ़ी बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मुझे 2 साल हो गए तैयारी करते हुए, अब पेरेंट्स का प्रेशर आ रहा है, मुझे 3 साल हो गए तैयारी करते हुए, अब पेरेंट्स का प्रेशर आ रहा है। आपके पास पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, हर एक चीज़ आएगी, लेकिन अगर आप उन 2-3 साल में घर वालों को ऐसे लग रहा है कि आप अपना 100% दे रहे हो, क्योंकि आप उनके जैसे, वो आपके पेरेंट्स हैं, आप उनके बच्चे हो, वो आपको बहुत अच्छे से जज कर पाते हैं, उनको ये लग रहा है कि आप अपना 100% दे रहे हो, तो उसके बाद में भी वो सपोर्ट करेंगे आपको। एटलीस्ट आप प्री निकालो, एटलीस्ट आप एफर्ट्स अपने जेन्युइनली करो। जब आप जेन्युइनली अपने एफर्ट्स करोगे तो उसके बाद में वो अपने आप साथ में आ जाते हैं। तो गर्ल्स की जो ये वाली प्रॉब्लम है, सिचुएशन वाली, ये भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है। थोड़ा सा आपको कामली चीज़ों को हैंडल करना होता है। यस, सही कहा। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में, सीजीएल 2023 और सीपीओ 2023 के बारे में, ठीक है, कि अब तो पैटर्न चेंज हो गया है, तो अब हमारा बच्चों का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए सीपीओ के लिए? सबसे पहले तो सीपीओ का बात करते हैं कि सीपीओ में क्या पैटर्न चेंज होने का इस बार है, हो सकता है क्या?
सर देखो, पैटर्न चेंज के ऊपर सीजीएल का जब पैटर्न चेंज हुआ था तभी भी किसी को नहीं पता था, तो ऐसे तो हम मैं एक सिर्फ एक लाइन में बोल दूं होगा या नहीं होगा वो क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 90% तक चांसेस मुझे लग रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो जाएगा क्योंकि सबका हो रहा है। और पैटर्न चेंज होने के बाद जो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस की है कि कुछ भी एज सच मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर जो आप तैयारी पहले कर रहे थे और अब कर रहे हो, तैयारी उसी अकॉर्डिंगली आप करते रहोगे तो भी आप पेपर में उतना ही अच्छा करोगे जितना आप पहले करते थे। हाँ, हाँ। क्योंकि चार अब तो बेस्ट चीज़ ये हो गई है कि मेंस में भी चारों सब्जेक्ट आ रहे हैं, प्री में भी वही पढ़ना है, मेंस में भी वही पढ़ना है, तो हम फ्लो में वही पढ़ते रहते हैं तो फ्लो नहीं टूटता। पहले ऐसे होता था सीजीएल का मेंस देते थे, उसके बाद जब प्री देने के लिए आते थे तो दोबारा से जीएस पढ़ने में इतना आफत आती थी या फिर उनसे टच छूट चुका होता था तो दोबारा से रिविजन करनी पड़ती थी। अभी तो चारों सब्जेक्ट फ्लो में पढ़ने हैं तो चारों सब्जेक्ट पढ़ते रहो, वही है सिमिलर चीज़ें, पैटर्न अभी भी प्रीवियस ईयर ही है, पहले भी प्रीवियस ईयर ही था, तो एज सच कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। जो एस्पिरेंट्स इस पैटर्न चेंज के लिए बहुत कॉशियस हो जाते हैं कि पैटर्न चेंज हो गया पता नहीं क्या हो जाएगा, पैटर्न चेंज बहुत नॉर्मल चीज़ है, क्वेश्चन वैसे ही पूछे जा रहे हैं, नंबरिंग ऊपर नीचे हो रही है। पहले 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब 15 पूछ ले या 20 पूछ ले, एक क्वेश्चन 3 नंबर का दे दे या 2 नंबर का दे दे, कितना ही फर्क पड़ता है। अपने को तो कट ऑफ तो उसके अकॉर्डिंग ही जाएगी जितनी अपनी तैयारी है, जितनी उसकी प्रिपरेशन है, तो मेरे को तो पैटर्न चेंज की वजह से कुछ ऐसा खास फर्क नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो आप बताओ कुछ। मुझे भी कोई चेंजेस नहीं लगता, मुझे तो लगता है पहले से और बेटर हो गया है। हाँ। कि प्री क्वालिफाइंग है, उसके बाद पहले क्या होता था कि अगर प्री में अगर आपका ज़्यादा मार्क्स आ गया तो फिर वो एडवांटेज उसको रहता था, लेकिन अब आप प्री के बाद भी अगर आप मेंस के टाइम पे भी 2-3 मंथ्स का जो टाइम मिलता है उसमें अगर आप डेडिकेटेड होकर मेहनत कर दो तो वहाँ पे सब एक लाइन पे खड़े हो जाते हैं, फिर से एक रेस होती है। हाँ। और उस रेस में अगर आपने अच्छा दौड़ लगा दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि चलो प्री क्वालिफाइंग हो गया है। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। तो सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं कि मैथ्स में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लोगों की। मैथ्स में मैं जो यूजुअली रिकमेंड करती हूँ मेरे चैनल के ऊपर भी और अभी भी मैं सिमिलर ही चीज़ बताऊँगी कि मैथ्स के लिए हमें एक चीज़ तो करनी है, हमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट्स मैं बोलती हूँ कि आप किसी टीचर से पढ़ लो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस के साथ हमें करवा रहे हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, वो यूट्यूब से कैसे भी पढ़ लो, एक बार थोड़ा सा जो सिलेबस है उसको कम्प्लीट कर लो, उसके बाद में सिर्फ एक चीज़ करनी है वो है प्रीवियस ईयर, उससे अलग कुछ भी नहीं करना है। कोई टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं उसके बाद में, दैट्स ऑल। उससे अलग आपको कुछ नहीं करना है मैथ्स के लिए। ओके, तो मैथ्स में लेकिन नोट्स कॉपी बनाना भी इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, नोट्स कॉपी बनाना, जो आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो उनके नोट्स कॉपी बना के रखो और फिर उसको रिवाइज तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। दो चीजें सिर्फ, एक तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो चैप्टर वाइज अच्छे से और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दो चीजें बस, उसके बाद मॉक लगाना है। अब हम चलते हैं इंग्लिश में, डिस्कशन करते हैं कि इंग्लिश में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। इंग्लिश में बहुत सिर्फ ग्रामर मैटर नहीं करता, और भी चीज़ें मैटर करती हैं, तो इंग्लिश में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लोगों की। इंग्लिश के लिए मेरे पास भी काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं एस्पिरेंट्स के। इंग्लिश के अंदर हम क्या करते हैं, एक गलती बहुत बार हम जब बच्चे मतलब हम स्टार्टिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे हम भी कर रहे थे ये चीज़ कि हम सिर्फ ग्रामर को ही फोकस करके रखते हैं कि हम जो हमें लगता है कि सिर्फ ग्रामर के रूल से ही काम हो जाएगा, और थोड़े दिन बाद हमें पता लगता है कि ये ग्रामर के रूल हम अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है वो कैसे अप्लाई होते हैं। तो ग्रामर के रूल का बस इतना काम होता है कि एक बार आप ग्रामर के रूल्स को पता कर लो कि इसके साथ में ये लगता है, ही के साथ में ये लगता है, सी के साथ में ये लगता है, जब वो आपके अप्लाई होने आपको आ जाते हैं उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर की जो चैप्टर वाइज एरर वाली जो बुक होती है जिसके अंदर एरर इम्प्रूवमेंट सारे चैप्टर वाइज दिए होते हैं, मैं तो हमेशा बोलूँगी कि हर एस्पिरेंट को एटलीस्ट 2-3 बार वो बुक सोल्व करनी चाहिए। किसी भी पब्लिकेशन हाउस से वो कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर को एटलीस्ट सोल्व करो। एसएससी के लिए आप फिर बोलोगे कि आप हर सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर, क्योंकि एसएससी इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर जितना बेटर कर लो। क्वेश्चंस तो सिर्फ वैल्यू चेंज करके डाल दे। हाँ, वैल्यू चेंज करके डाल दे, कुछ हल्का फुल्का बनाते हैं उसमें भी सिमिलर क्वेश्चन ही होते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर तो इतना मस्ट है आप लोगों के लिए। उससे अलग आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक इतना लिमिटेड सिलेबस हो गया एसएससी का, तो प्रीवियस ईयर के ऊपर फोकस कर लो, बस आपका काम सॉर्टेड हो जाएगा।
तो इंग्लिश के अंदर भी मैं उसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगी कि अभी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का चीजें हैं वो थोड़ी सी बढ़ रही हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी बहुत हम रीडिंग भी करते रहें, उसके साथ में थोड़ी बहुत हम क्लोज टेस्ट वगैरह की भी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जैसे एग्जाम में जाते हैं एकदम से हमारी हैबिट नहीं होती है इतना ज़्यादा पढ़ने की, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स सीपीओ के जो एस्पिरेंट्स होते हैं स्पेशली जो मेंस दे रहे होते हैं उनकी ये दिक्कत होती है कि हमसे पेपर पूरा नहीं होता है। आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपसे पेपर भी पूरा होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है प्रीवियस ईयर या फिर हम बोल सकते हैं ऑल ओवर सारी चीज़ों के ऊपर। और वोकेबलरी के लिए आपको थोड़े से निमोनिक्स वगैरह की हेल्प लेके आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है वोकेबलरी के इतने सारे वर्ड्स होते हैं हमें नहीं याद रहे, एक बार निमोनिक्स की हेल्प से या रूट वर्ड की हेल्प से आप याद कर लो, उसके बाद दोबारा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने स्टार्टिंग में निमोनिक्स से याद किए थे, अब मेरे को वर्ड सारे याद हैं, निमोनिक्स मैं सारे भूल चुकी हूँ। हाँ, तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कितनी ट्रिक्स याद रखेंगे, ट्रिक्स एक बार वर्ड को याद करवाने के लिए होती हैं, उसके बाद में आप ट्रिक्स भूल जाते हो और वर्ड का मीनिंग आपको याद रह जाता है। देखो मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि इंग्लिश के लिए ना तुम्हारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तुम समझो कि 30% ग्रामर है और 70% तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन है। अगर तुम्हारा रीडिंग स्किल अच्छा है ना, अच्छे से समझ जा रहे हो सभी चीज़ें और वो कैब्स है ना अच्छा स्ट्रॉन्ग, तो तुम्हारा इंग्लिश 70% उसी पर डिपेंड करता है। आप सिर्फ ग्रामर के चक्कर में रहोगे कभी भी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पाएगा, इसलिए रीडिंग डालना अभी से शुरू कर दो, 1 घंटा डेली रीडिंग एंड वो कैब्स को याद करना। मैंने लगभग 4-5 मंथ यही किया था, मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, तो भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा भी सिमिलर ही था। मेरा तो सुबह उठते ही ऐसे फिक्स था कि मुझे वोकैबुलरी पढ़नी ही पढ़नी है। तुम्हारा सुबह था और मेरा 6 to 8 मेरा फिक्स था इंग्लिश के लिए। हाँ। इसमें 1 घंटा रीडिंग डालना है और 1 घंटा मुझे वो कैब्स याद करना ही करना पर डे, उसके बाद तो हैबिट हो गई थी। हाँ। कि वो अपने आप में उठता था, 6 बज गए इंग्लिश का बुक निकल जाता था पर। तो ये तुम्हें भी करना पड़ेगा, अगर आपको भी करना पड़ेगा, अगर आपको अपना इंग्लिश इंप्रूव करना है ना हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो तो करना पड़ेगा आपको। 2 घंटे टाइम देना, उसमें आप रीडिंग डालना और वो कैप्स याद करना, प्लस साथ में कुछ कुछ ग्रामर जो टीचर पढ़ाते हैं वो देखते रहना क्या क्या रूल्स हैं, हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं, पहले रीजनिंग पे कर लेते हैं फिर जीके पे जाएंगे, क्योंकि जीके बहुत बड़ा वास्ट टाइप का है। तो पहले रीजनिंग का करते हैं कि रीजनिंग में क्या किया था आपने। रीजनिंग के लिए मैंने 2-4 जो टॉपिक थे, जैसे ब्लड रिलेशन मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा था, डाइस वगैरह से जो एक आध क्वेश्चन ऐसा होता था कि जो मुझे नहीं समझ में आता था मैं सेट्स लगाती थी, तो उसमें से जो नहीं समझ में आता था वो मैं यूट्यूब की हेल्प ले लेती थी। 1-2 सब्जेक्ट्स मैंने टॉपिक मैंने यूट्यूब से कर लिए, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें हो जाती हैं, बस सेट्स लगाते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, वहीं से आपकी रीजनिंग कवर हो जाती है। बहुत कुछ रीजनिंग के लिए मैं नहीं बोलती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने हैं, लेकिन आपको रेगुलरिटी में सेट्स लगाते रहना है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आपकी थोड़ी सी स्पीड बनी रहे सोल्व करने की। ओके, ठीक है। तो रीजनिंग में कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको, बस चैप्टर वाइज आपका एक नोट्स बना लेना चुपचाप और प्रैक्टिस करते रहना। अब हम चलते हैं जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं लोग जिसमें, वो होता है करंट अफेयर्स और ये जीके एंड करंट अफेयर्स में, कि कहाँ से करना चाहिए कैसे करना चाहिए, तो वो एक बार बता दो कैसे किया था आपने। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए जीएस के लिए। तो जीएस के लिए मेरी एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, लूसेंट रट लो, लूसेंट है या फिर आपके पास मनोहर पांडे है, कोई एक स्टैंडर्ड बुक, और उसको इज्जत से पढ़ लो। कि इज्जत से पढ़ने का मतलब है उसको 5 से 7 बार एटलीस्ट आप कर लो। और करंट अफेयर्स के लिए जो मैं स्ट्रेटेजी यूज़ करती थी, मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ती थी, मैं लिखती वगैरह नहीं थी उसको, लेकिन मैं सुबह उठ के डेली ब्रेकफास्ट के अंदर भुवनेश सर का या किसी भी टीचर का शो ले लेती थी कि ब्रेकफास्ट में मैंने डेली करंट अफेयर पढ़ ली है अपनी। और उसके बाद में जब लास्ट का टाइम आता था उस टाइम पर मैं टॉपिक वाइज और मंथली की जो PDFs वगैरह आ जाती हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेती थी, उससे मतलब ऑल ओवर एक मेरे को रिवीजन हो जाती थी और मेरे को सारा पता भी लग जाता था कि मेरा टॉपिक कवर हो चुका है। Okay. वैसे जब आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हो तो इतनी बार रिपीटेशन होती है करंट अफेयर की, आपको वैसे ही याद हो जाती है चीज़ें। हाँ। तो जीके में मैं भी हमेशा बोलता हूँ, या तो 2 तरीके हैं, या तो आप अगर आपको बुक से पढ़ना अच्छा लगता है तो लूसेंट पढ़ लो, मनोहर पांडे पढ़ लो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो लगा लो, और या फिर अगर आपको नहीं समझ में आता बुक से तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई टीचर का आप कोर्स ले लो, आराम से अपना नोट्स कॉपी बना लो, वहाँ से थ्योरी कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। और करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे हैं, स्टडी IQ का है, या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, आपको डेली बस देखते रहना होता है। मैं भी यही करता था, जैसे मोनिका बता रही है कि जैसे खाना खा रही है तो अपना देख रही है उस टाइम पे ब्रेकफास्ट के टाइम पे, मैं भी वही करता था कि मैं अगर फ्री बैठा हूँ कुछ नहीं मन कर रहा है तो बस करंट अफेयर्स देख लिया, या फिर जीके के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए, या फिर कभी ऐसे कुछ मन नहीं कर रहा तो 50 क्वेश्चन वो कैप्स के देख लिए, वीडियो चल रहा है,
तो आपको भी ऐसे करता रहना पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि कितने घंटा पढ़ना चाहिए तो सिलेक्शन होगा, ये इसका आंसर दो आप, कितने घंटे पढ़ते थे, ऐसा कुछ है फिक्स क्या? कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैं कभी घंटे कैलकुलेट नहीं करती थी अपने, मैं अपना सिलेबस कैलकुलेट करती थी। मैं सिलेबस सुबह का उठते ही आज का डिसाइड कर देती थी कि मुझे इतना पढ़ना है। अब मेरा सिलेबस जब हो जाएगा उतना घंटा पढ़ना इनफ है। अच्छा। वैसे अगर आप एक एवरेज एस्पिरेंट की हम बात करें, अगर वो ठीक ठाक पढ़ता है तो वो 6 से 9 से 10 घंटे के बीच में, 6 से 9 घंटे के बीच में अगर वो पढ़ लेता है अच्छे से, उसके अंदर मॉक टेस्ट भी लगाएगा, प्रैक्टिस भी करेगा, तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, तो अभी हम मोनिका से रैपिड फायर करते हैं, कुछ क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे बहुत तेज़ी से और उनको जल्दी जल्दी जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, होम पोस्टिंग या फिर आपको दिल्ली पोस्टिंग? दिल्ली पोस्टिंग। दिल्ली पोस्टिंग। दूसरा क्वेश्चन है, 3 चीज़ें जो कि एसएससी एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए अगर उनको सिलेक्शन लेना है तो? प्रीवियस ईयर, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। अच्छा, ऑनलाइन बेटर है या फिर ऑफलाइन बेटर है, क्या अच्छा लगता है? मेरे को अभी ऑनलाइन बेटर लग रहा है, ऑफलाइन में थोड़ा सा टाइम वेस्टेज ज़्यादा हो जाती है और मूव करना पड़ता है। बाकी दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपके लिए ऑनलाइन बेटर है, और अगर आपको ऐसे पुश चाहिए कि मैं क्लास चला अच्छा। जाऊँ, कोई पढ़ा दे, तो फिर ऑफलाइन बेटर आपके लिए। ओके, उसके बाद बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ आफ्टर सिलेक्शन? आफ्टर सेलेक्शन जब पेरेंट्स से पूछा जाता है कि बिटिया आपकी नौकरी लग गई, वही बेस्ट मोमेंट है। जब पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ हमारी गुड़िया लग गई है, तो वही बेस्ट मोमेंट होता है जब कोई भी पूछता है पेरेंट्स के सामने। अच्छा। तो ये जितनी बार भी होता है उतनी बार मेरे लिए बेस्ट मोमेंट होता है। फर्स्ट टाइम जब गए थे आप वर्दी पहन करके अपने मम्मी पापा के पास, तो कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था, उनको बहुत प्राउड फील हो रहा था। और वो जो चीज़ है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि वो बोल भी नहीं पाते, लेकिन हमें वो चीज़ दिख रही होती है कि दे आर फीलिंग प्राउड, तो वो ही इनफ होता है आपके लिए। जो आपकी प्रिपरेशन के टाइम में जितने एफर्ट्स थे, जो भी मेहनत थी, वो सारी वर्थ इट हो जाती है जब वो ऐसे आपको देख के खुश हो जाते हैं तो। अच्छा, आपको डेस्क जॉब पसंद है या फिर फील्ड वर्क? मेरे को बहुत ज़्यादा डेस्क जॉब पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसे बैठ के नहीं काम कर सकती हूँ। मेरे को थोड़ा सा मिक्स जॉब पसंद है, कि थोड़ा सा मेरे पास ऐसे भी हो कि काम एक्सपेरिमेंटल काम होना चाहिए, थोड़ा सा एडवेंचरस काम होना चाहिए, और थोड़ा बहुत ऐसे रिलैक्सिंग भी होनी चाहिए, कि 24 घंटे ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल पे ही रहूं, बीच बाच का काम हो जाए तो वो बेस्ट है। एक क्वेश्चन और, कि आप दिल्ली पुलिस में रहोगे तो आपका क्या थॉट है, कि क्या करोगे आप कुछ एक्स्ट्रा अलग थोड़ा डिफरेंट? डिफरेंट अभी तक तो एज सच मैंने कुछ फाइनल तो नहीं किया है कि क्या मैं अलग करूँगी, लेकिन हाँ ये कोशिश ज़रूर करूँगी कि जो आप लोगों का परसेप्शन बना हुआ है लड़कियों के लिए स्पेशली, कि लड़कियों के लिए फोर्सेस नहीं है, उस चीज़ को चेंज करने की कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी। और वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को बोला था कि एक सरप्राइज गिफ्ट भी दूंगा, वो है कि आपके जो भी डाउट है ना, वो मोनिका खुद आपको रिप्लाई करेगी, तो जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और ये कुछ ऐसा डाउट रहेगा तो रिप्लाई करेगी। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का जितना भी एसएससी सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल जिससे भी रिलेटेड आपको जो भी डाउट है, आप इस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं भी सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। उसके ऊपर अगर कोई एक्सपर्ट एडवाइस होगी तो सर की तरफ से भी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग अपने कमेंट्स खुले दिल से डालना, मैं खुले दिल से रिप्लाई करने के लिए आपके लिए टाइम निकाल के बैठूंगी कि मैं पर्सनली कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ। और थैंक यू सो मच मोनिका, और साथ में मोनिका का भी एक चैनल है यूट्यूब चैनल डिलीजेंट एसेसियन करके, आप उस चैनल पे जरूर जाना और इनके जो भी हैं वीडियोस हैं उनको देखना, क्योंकि काफ़ी अच्छा वीडियो ये भी है, स्ट्रैटजी वगैरह बताते रहते हैं, स्पेशली एसएससी सीपीओ के लिए भी और सीजीएल के लिए भी, तो ज़रूर उस चैनल को विजिट करना। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच मोनिका, थैंक यू सो मच सर मेरे को इनवाइट करने के लिए, मौका देने के लिए आपके चैनल के ऊपर, आपके ऑडियंस से इंटरेक्शन करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और आप लोगों को भी बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार दे रहे हो आप सर के चैनल को भी, मेरे चैनल को भी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय।